दोस्तों, एवरेज स्वागत है आपका आपके नए ब्लॉग में। आज हम जाएंगे भद्रकाली मंदिर, वो भी पैदल, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। रोटी भी छिपा दी जी। रेलवे क्रॉसिंग, मैं हूँ रेलवे क्रॉसिंग। हमारी टोली चल रही है बराबर, 4:30 का टाइम हुआ है। जय माता की बोल के चलो। अगला तो आगे जाया हुआ यार, लार लाग आया हुआ मेस बीच में ही आ जाए। लो जी नॉट लिया, जय माता की। लो जी लगभग 3 घंटा हो गया चाले में, बस अब थोड़ी दूर और है पहुँचना। लो जी अब मैं थर्ड आ, बे फर्स्ट है अब थर्ड आ। क्या लगे बढ़िया तो यू कैन डू इट। चल 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 चल, हाँ बस जितना लिया तू। फाइनली मंदिर वाली मोड आ चुकी है, इल्ली गली जाना है पमाना। तो गाइज आधा लोग तो भद्रकाली धोख मार के वापस आने लग रहा है, ये साला सारी यात्री लागण आ जाऊंगा तो। और देखो जी सीन, और तो ये कैमरा में तो बढ़िया दिखन को ला रहे हो। कंप्यूटर से उन्हें समझौता कर लिया है। लो जी सूरज देवता निकलने वाला है और मैं भी लगभग पहुंचने वाला। आज पानी चलना आ रहे सारे। ओहो आ देखो रे अड्डो पड़ गया दोनों। ओके कारण आंध, अच्छा रात बा आंधी सी आई जत गया। ये देखिए जी भद्रकाली आधा किलोमीटर रहा है, वो सामने वो रे मंदिर। ये कैमरा में साफ दिखे बन, सॉरी भैया। हमें अभी चेतावनी मिली, अभी नाली में पानी ज़्यादा आ चुका है, क्या मामला है ये देखना पड़ेगा जाके। और आप देख रहे हो भीड़ भी है। ओ बेटे पानी तो ऊपर को जान ला रहे है, हाथ पकड़ के दबा दब क्रॉस होना पड़ेगा मन तो लगा पाने। ओ जी अपना भद्रकाली मंदिर पहुंच चुके हैं, ये हनुमान जी का मंदिर भद्रकाली मंदिर और ये क्रॉसिंग। ओहो हो ओम फोर डराटे काट रहे हो। परसु चौथा आया जब तो ठीक होनी हो रहा है। शाबाश यात्रीगण, अभी भी जाएगा भक्तजन और हम भी जाएंगे। पहुंच चुके हैं जी, अब करेंगे क्रॉस भद्रकाली नदी को। नदी उफान पर है, देखा बाकी जना किया क्रॉस करें, तो हम पहला कदम रखने जा रहे हैं यहाँ पर। चलो ओ ओम फोर ड्राटे काट रहे हो। हाय रे कियल जाऊं मैं। आओ पग जोड़ जोड़ के चलना पड़ ला रहा है। कोई नहीं चल, चश्मा कितना देरी। ओ देखो जी मैंने डर लगा, सॉरी रितु ने डर लगा जब मैं रितु को हाथ पकड़ लियो। मन तो कंट्रोल, ओ भाई जब तुम डर लग रहा है खतरनाक। और अब देखिए हमने इतना कॉन्फिडेंस पा लिया कि हम भागते भागते आगे आ चुके हैं, मित्र गण अभी आ रहे हैं पीछे,
ओ कचरा ओ जे ओ कचरो आ गयो नी सीधो तो सारे ही जावांगा आपा। ओ देखो जी मल्ला का पानी बदल आ रहे है। अरे जाता है पूरी नदी को क्रॉस करके आ चुके हैं और अब हम जाएंगे भद्रकाली मंदिर। कल शाम को 4 बजे के बाद आया ये पानी, भाव देखो जी। फिर भी बाइक क्रॉस करनी पड़ रही है, यहाँ से मजबूरी है, यहाँ से इनका आना जाना है, रोज का घर है इनका, उधर बाजार है इसलिए जाना पड़ता है रोज। नदी का बहाव देखिए आप, शानदार शानदार, जानलेवा जानलेवा ये जानलेवा। ऊपर है भद्रकाली मंदिर, आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, अगर नहीं देखा तो मैंने लिंक दे दूंगा वो देख लेना। और यहाँ से हम लेंगे प्रसाद, पानी आपको फिर से दिखा देते। ये देखिए जी क्रॉस कर रहे हैं लोग, अभी भी लोग आएंगे जाएंगे, ये देखिए आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। आवाज़ मेरी कम आएगी क्योंकि पानी की आवाज़ यहाँ पर बहाव की आवाज़ ज़्यादा है, एक तो यहाँ बहाव ज़्यादा है और एक आगे वहाँ वहाँ बहाव ज़्यादा है। मंदिर में आना भी ज़रूरी है, नवरात्रा हो गए, माता जी को दर्शन के लिए, माता जी के दर्शन के लिए आना भी ज़रूरी है। और माता जी ने थोड़ी सी परीक्षा, छोटी सी एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया हमारा और माँ और प्रसाद ले रहे हैं आंटी जी, और फिर हम जाएंगे अंदर मंदिर में। शायद तक सनराइज हमारा मिस हो सकता है क्योंकि अभी हम मंदिर में गए नहीं, हम मंदिर में जाएंगे फिर वापसी में देखते हैं, सूरज उग जाएगा यार उस टाइम, देखते हैं। चलो पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि सेवा भारती के बच्चों को सेवा भारती संगरिया की तरफ से एक तीर्थ यात्रा पे लेके आए थे वो। ये मम्मी से नारियल नहीं फूटा तो ये थोड़ा सा ताकतवर है। ग्रेट सक्सेस। पानी नहीं है इसमें, हमने साबुत निकाला है। नाइस नाइस। कैमरा अलाउड है यहाँ पर, लाइन लगी हुई है, आगे करवाएंगे आपको माता जी के दर्शन नवरात्रि में। खाणो कोनी हो गया तो खा लियो। ये हमारे भोले बाबा, जय भोले बाबा। और यहाँ पर हमने सनराइज मिस नहीं किया बोरे भाई। तो यार सनराइज तो मिस कर दिया लेकिन
फोटो शूट था ना, अभी भी दिखावा बढ़िया वालो। पानी का बहाव ज्यादा बढ़न आ रहा है। ये देखिए जी, गोवा की फीलिंग आ रही आज थोड़ा, बस वो कचरा ना हो तो। हमारे आरवी आर्टिस्ट का फोटो सेशन चलेगा अब कुछ देर तक, पोज दीजिए पोज। तो बड़ी धोक मार के आ चुके हैं और हमारा फोटो सेशन भी हो चुका है आरवी आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम के लिए। एंड यहाँ पर आरवी आर्टिस्ट लगातार पोज पे पोज दे रही हैं। यात्रीगण बहुत ही सावधानी पूर्वक बढ़ रहे हैं आगे। एंड हम खड़े हैं यहाँ पर, कैमरा चालू है नहीं, हाँ हम खड़े हैं यहाँ पर, नज़ारा ले रहे हैं उफानती हुई नाली नदी का, घग्गर नदी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ लोकल में, नाली कहते हैं इसको। एंड देखिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा और कुछ दिखाने को, ये मेरे मतलब खतरनाक दिख रही है भाई साहब। ये जीप वाले भाई साहब क्रॉस करेंगे, देखते हैं कितनी तकलीफ आती है इनको, दिक्कत आती है। और नहीं 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 क्या पार जाना है क्या? मैं नहीं नहीं क्या मूवी बना के यूट्यूब पे चढ़ाएगा? मैं हाँ, इन जीप वाले अंकल जी ने हमें हेल्प के लिए बुलाया, सॉरी कि हमारी हेल्प करने के लिए हमें पूछा कि पार जाना है क्या। अच्छे थे भैया अंकल। ओ यार, जीप ने जोर आवे नहीं थोड़ा थोड़ा, देख बिया दौड़ा चलन आए थे जान कर, देख तू टायर लगभग डूब रहे, आधा डूब रहे है। अपनी आवाज कैमरे में बहुत ही कम जा रही है, एडिट करते वक्त संभालना पड़ेगा इसको, नहीं ज़्यादा हो रहा है इसलिए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया भाई साहब ने। और अब बस हम क्रॉस करेंगे जल्दी से, चलो। रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी देखिए पिछली बार कितना था लेकिन इस बार ज़्यादा हो चुका है, 10 मिनट में ही। इस बार चारों ने हाथ पकड़ लिया है और पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है यार, जोर के पग तिसल ला रहे, सीधा सीधा पग जान ला रहे। अड़ू जानू और जानू, पैर घसीट घसीट के चलना पड़ रहा है हमें। ये देखिए कचरा जैसे जैसे निकल रहा है, पानी का बहाव और बढ़ेगा, यहाँ तो कम है थोड़ा ये इस कचरे के कारण, और जैसे ये कचरा निकला सब के सब तबाह हो जाएंगे सारे। ये देखिए जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जोर बोलो ही, आवाज को नहीं आसी नहीं तो। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ही बता देता हूँ उनको, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी यात्रीगण लगातार जा रहे हैं, आराम से चलो भैया आराम से, पैर मत उठाना कोई भी पैर, अगर गलती से भी पैर उठा तो। वो देखिए जी, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, दोनों तरफ से रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। लो जी, अब हम घग्गर नदी को करते हैं टाटा, अब जाएंगे घर पे हनुमान जी के धोख मार के। तो गेड़ा तो है शाम उठा। लो जी, रस्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, पुलिस वाला अंकल भी आ चुके हैं हटे, नदी को बहाव जी पता लग गया भी ज़्यादा बटन ला रहे, पुलिस वाला इमीडिएटली इफेक्ट में बुला लिया है। और बस ये होती है गाइस किस्मत, हम बस धोख लगा के आए और तुरंत ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा किसी को भी। और मेला देखो लेट होगा या तो, या पता नहीं क्या होगा। चलो जी, हम हो गए रेडीमेड और इन्हें पुलिस वाला अंकल
बस तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और पल पासा यात्रीगण थोड़ा सा फंस गया है। थोड़ा पहले ब्लॉक करना हो तो फिर बेपरने कौन जावार तो इन्हें फिर आ जावार फिर और तो इन्हें इतनी भीड़ कौन लगा तो अब इन्हें फिर बे रह गया तो फिर अब फिर चलांगे घरे। जय जंगली जय जंगली।